अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फिर एक नई वीडियो स्कैंडल के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। और अभी जो है मैं न्यूज़ देख रही थी और मेरी नज़र से जो है उर्दू पॉइंट की एक वीडियो गुजरी और जिसे देख कर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूं, हो सकता है आप लोगों ने इस चीज़ को ना नोटिस किया। तो ये फिर से एक स्कैंडल है एक अमीर बाप के बेटे का, जिसको जो है अपनी दौलत पर और अपने कनेक्शंस के ऊपर बहुत नाज था और उसने जो है भरी दिन में जो है ट्रैफिक वाले रोड पर वार्डन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो वो क्या वाक्य हुआ वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बट वीडियो को प्रॉपर नहीं देख रहे हैं। तो फुल वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे फुली सपोर्ट मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की जो ये वीडियो है ये है जी उर्दू पॉइंट की, और इसका जो टाइटल मेरी नज़र से गुजरा था वो वहाँ पर कैप्शन लिखी हुई थी, बिगड़े रईस ज़ादे ने वार्डन को गाड़ी से टक्कर मारकर बोनट पे गिराया और गाड़ी भगा कर ले गया, पुलिस पकड़ने में नाकाम, वार्डन से तफसीलात जाने। तो जनाब एक्चुअल हुआ क्या इस वीडियो में कि वो गाड़ी आ रही थी फुल स्पीड पर और ये वाकया है जेल रोड। तो जेल रोड के हवाले से एक बड़ी मज़े की याद है, बरारुल हक का गाना काफ़ी मशहूर हुआ था कई साल पहले, वो गाना था माल रोड जेल रोड खंग के खरीदला। तो ये उसने तो चलो फन में बनाई थी ये वीडियो एक अमीरजादे की के जी बारात वहाँ से नहीं गुजरेगी, मैं रोड ख़रीद लूँगा और ये वो, लेकिन यहाँ पर तो इस अमीरजादे ने रोड भी नहीं ख़रीदी बल्कि रोड पर ट्रैफिक की हिफाजत करने वाले, कानून की हिफाजत करने वाले के ऊपर जो है गाड़ी उसने चढ़ा मारी। तो वार्डन जो था ड्यूटी पर आया था और ये गाड़ी काफ़ी स्पीड से जा रही थी, 70-80 से ऊपर की स्पीड थी, और आई थिंक जो वार्डन ने इस गाड़ी वाले को रुकने का इशारा किया उसके थे ब्लैक मिरर्स। तो ब्लैक मिरर्स अलाउड नहीं हैं और वो गाड़ी वाला नहीं रुका और वार्डन जब सामने आया तो उसने वार्डन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर तक फुल स्पीड से जो है उसने गाड़ी को रेस दी। और ये भी ख्याल नहीं किया कि अल्लाह का बंदा जो है कोई उसकी गाड़ी के बोनट के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो गिरेगा, उसकी हड्डी पसली टूट सकती, उसकी जान जा सकती, जान एक दफ़ा आती है। तो समीरजादे को पता नहीं किस चीज़ पे जम था, वो किस मतलब बाघ की मूली था कि वो इतना किस पैसे पे किसके कनेक्शन पर अकड़ रहा था कि उसने इस बंदे की भी जान की परवाह नहीं की कि चलो ठीक है कानून ब्रेक कर दिया कर दिया और सिग्नल तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ के भी भाग लिया, लेकिन एक बंदा है और उसको तुम गाड़ी के बोनट पर रैश ड्राइविंग से जो है इतनी दूर ले आए। और हौसला था उस वार्डन का कि उसने बड़ी मजबूती से बोनट को जो है पकड़े रखा और बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और 2.5 किलोमीटर के बाद जाकर जो है उस अमीरजादे ने गाड़ी को ब्रेक दी और वो जो है वार्डन नीचे गिरा है और बेहोश हो गया। और आसपास के लोगों ने जो है एम्बुलेंस बुलाई और उसको हॉस्पिटल लेकर गए और उसको काफ़ी अंदरूनी चोटें आई हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो इस वार्डन भाई को जल्द सेहत याब करे और उसके लिए इंसाफ करे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कानून की पासदारी करें, रूल्स की पासदारी करें, ट्रैफिक रूल्स किस लिए बनाए गए, वार्डन्स किस लिए खड़े हुए हैं, ये जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खड़े हुए हैं। तो हम पाकिस्तानी कौम इस तरह है जो किसी को देखता है ना कि किसी एक ने रूल तोड़ा तो वो कहता है ये रूल तोड़ सकता है तो मैं भी रूल तोड़ूंगा, क्यों मैं क्यों नहीं रूल तोड़ सकता, वो अनोखा है भाई, वो तो अनोखा है, उसके पास पैसा है, उसके बाप की दौलत है, कनेक्शन है, बट तुम अनोखे नहीं होगे, तुम रूल तोड़ो। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो फॉलो करती है इसी तरह के फुटस्टेप्स को। तो प्लीज़ ये एक चेन बनने से रोकें, रूल्स काइंडली ना तोड़ें, इंसानियत को सामने रखें, इंसानियत की कदर करें सब इंसान। अगर उस बंदे की जान चली जाती तो पूरा एक ख़ानदान तबाह हो जाना था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, ये उसकी जॉब थी ट्रैफिक रूल्स को कंट्रोल करने की। तो ये बहुत बुरा हुआ उस वार्डन के साथ, और जो है अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, फिज़िकली तो उसको चोटें आई हैं, जो मेंटली उसको स्ट्रेस हुआ वो स्ट्रेस पता नहीं कितने सालों में ख़त्म हुआ। तो इस बारे में हम लोग और क्या कह सकते हैं, और जितने मुँह उतनी बातें, और जिसके पास जितनी दौलत है उसका नशा सर चढ़ के बोल रहा है। तो ये असल में ख़राबी दौलत की नहीं है, ख़राबी बेसिकली है तरबियत की। मैंने कई ऐसे अमीर लोग भी देखे हैं
जो रिस्पेक्टफुल है रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, और कई जो हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके पास बेतहाशा अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है ना, तो उसकी कदर करें और बच्चों की अच्छी तरबियत करें। अच्छी तरबियत करेंगे तो अच्छा माशरा होगा और अच्छी नस्ल होगी। जब अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो माशरे में यही सब कुछ होगा, नाइंसाफ़ी होगी, गरीब मारा जाएगा, गरीब पिसेगा, गरीब के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये जो है इस्लामी माशरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए आपके साथ इतना ही, और आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट और एक न्यूज़ के साथ जो कि यूट्यूब टाइमलाइन पे ट्रेंडिंग होती हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई न्यूज़ है हमारे साथ इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और मुझे बताएं कि आप जो हैं कौन सी न्यूज़ पर मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंसानियत की कदर कीजिएगा। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त की अमानत।